ओम साई राम, वेलकम टू साईं समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी, और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं भारती जी का, जो इलाहाबाद से हैं, और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका। मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूं और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। ओम साई राम। साई राम, साई राम। भारती भगत बोल रहे हैं इलाहाबाद से, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। साईं बाबा से जुड़े 7-8 साल हो गए हैं। बाबा की कृपा है, शिरडी बुलाते रहते हैं। 4 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में कभी भी बुला लेते हैं, 15 दिन में। और जब जब पारायण किया है तब तक शिरडी गए हैं, और मुझे तो चारों ओर शिरडी ही दिखाई देता है। अभी भी होकर आए हैं शिरडी से, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। बस साई जी हैं तो हम हैं, साई जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं। सब भक्तों से कहना चाहते हैं, साई साई कहिए। साई को उठते ही देखें, साई भजन सुने, साई वचन पढ़ें, साई चरित्र पढ़ें। और मैसेज ये देना चाहते हैं, इलाहाबाद से जाती हुई हवा जो शिरडी की ओर जा रही है उसको प्रणाम। ओम साई राम। तो जैसे कि भारती जी का एक्सपीरियंस आपने सुना, जब भी ये पारायण करती है ना, जब भी ये साप्ताहिक पारायण करती है ना, तब तब बाबा इन्हें शिरडी बुला ही लेते हैं। और ये हर बार, हर महीने शिरडी जाती आती रहती हैं। इन्हें हर जगह शिरडी दिखाई देता है, कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। और अगर आती भी है तो बाबा हैं, बाबा संभाल लेते हैं, बाबा वहाँ से इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये मैसेज आप सभी के लिए है। ये सबको ये संदेश देना चाहती हैं कि बाबा का पारायण करिए, बाबा की साईं सा चरित्र पढ़िए, बाबा के 11 वचन पढ़िए, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए। ये ऑल टाइम बाबा में ही लगी रहती हैं, हर वक्त बाबा बाबा बाबा। और इनके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स भी होते हैं, बाबा इन्हें शिरडी भी बुलाते हैं। जिन लोगों का ये हमेशा शिकायत रहती है ना कि हम शिरडी नहीं जा पा रहे, बाबा हमें नहीं बुला रहे, तो आप साप्ताहिक पारायण करके देखिए, बाबा आपको भी बुला लेंगे। अरे बाबा की सच्ची भक्ति कर देखिए, बाबा को बोल कर देखिए, डेफिनेटली बाबा आपको भी बुला लेंगे। क्योंकि अगर हमारी सच्ची भक्ति होती है ना, तो बाबा ने भी साईं सा चरित्र में लिखा है, चाहे मेरा बच्चा 7 समुंदर पार क्यों ना हो, कितना भी दूर क्यों ना हो, जैसे चिड़ियों के पाँव में डोर लगकर वो खींच लेते हैं ना, उसी तरीके से वो अपने भक्त को भी खींच लेते हैं, चाहे उनका भक्त कितना भी दूर हो। तो सच्चे भाव से बाबा को याद करिए, जो भी आपका मन करता है वो आप करिए, चाहे आप साईं सा चरित्र पढ़िए, चाहे आप बाबा के 11 वचन पढ़िए, कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए, चालीसा करिए, या आप बाबा के व्रत करिए, या जो भी आप बाबा को अपनी तरफ से, अपने भाव से जो भी बाबा को समर्पित करना चाहते हैं वो आप करिए। बाबा के लिए अगर आप कुछ स्पेशल कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग सा कुछ करना चाहते हैं, तो वो करिए। फिर देखिए बाबा आपको कैसे नहीं बुलाएंगे, बाबा आपको डेफिनेटली बुलाएंगे, 101% बुलाएंगे। आपकी सच्ची भावना होगी तो आपको ज़रूर शिरडी बाबा बुलाएंगे। और यही उनका प्यारा सा एक्सपीरियंस था भारती जी का, और वो संदेश देना चाहती थी उन लोगों को जो शिरडी नहीं जा पा रहे, या बाबा का बुलावा आता है वो फिर भी नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। तो ये मैसेज उन सब के लिए था। तो चलिए, अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।